अश्वगंधा प्राचीन कालों से एक औषधि के रूप में यूज़ किया गया है और बहुत सारे इंसानों ने इसे यूज़ भी किया है। और इसका जो बेनिफिट है ना, इतना ज़्यादा है और इतना आपको फ़ायदा देता है। अगर आप सही से इसके बारे में जान लेते हो तो आप भी अश्वगंधा का जो बेनिफिट्स होता है ना, उसको जानकर हैरान हो जाओगे। तो आज की वीडियो में आपको बताऊँगा कि अश्वगंधा का क्या बेनिफिट्स होता है, आपके बॉडी में ये क्या करता है, और अगर आप इसे यूज़ करते हो तो आप इसे कैसे यूज़ कर सकते हो, और इसका क्या साइड इफ़ेक्ट हो सकता है, मतलब किसको ये यूज़ नहीं करना होता है, सब कुछ मैं आपको इन डिटेल इस वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो का पूरा देखो। और अगर आप अश्वगंधा का यूज़ करते हो तो आपका जो स्ट्रेस होता है, आपका जो डिप्रेशन होता है, आपका जो एंग्जाइटी है उसको घटाता है, एंड आपका जो कंसंट्रेशन लेवल है उसको बढ़ाता है। और इंडिया में सबसे ज़्यादा अश्वगंधा का जो सप्लीमेंट होता है वो पॉपुलर है। इससे भी पता लगा सकते हो कि अश्वगंधा कितना ज़्यादा बेनिफिटफुल है हम सभी इंडिया के लिए, मतलब सभी के लिए बेसिकली, लेकिन इंडिया में सबसे ज़्यादा अश्वगंधा का यूज़ किया जाता है। और कई सारे आर्टिकल में मुझे ये भी पता चला है कि ये जो अश्वगंधा होता है आपका जो मसल होता है उसको इंक्रीज करता है, मतलब अगर आप एक्सरसाइज करते हो, जिम करते हो, तो अश्वगंधा आपका जो बॉडी का मसल ग्रोथ होता है उसको तेज़ी से करने में मदद करता है, आपका जो बॉडी फैट होता है उसको भी ये रिड्यूस करता है जिससे आप स्लिम लगने लगते हो, एंड सबसे इम्पॉर्टेंट आपका जो स्ट्रेंथ होता है, मतलब मेन स्ट्रेंथ, उसको बढ़ाता है जिससे आपका एनर्जी लेवल भी हाई होता है और आप खुद को एक सेल्फ कॉन्फिडेंस इंसान महसूस करते हो। क्योंकि जब आपका बॉडी स्लिम रहेगा, जब आप अंदर से एनर्जेटिक रहोगे, तो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस वैसे ही हाई रहेगा। क्या आपको पता है ये जो अश्वगंधा होता है ना, एक नेचुरल एंटीबायोटिक के काम करता है, और साथ ही साथ अगर आपके स्किन में इरिडेशन या किसी भी प्रॉब्लम रहता है तो उससे भी बचाता है, मतलब अश्वगंधा। क्योंकि आपको ये पता है कि अश्वगंधा बहुत सालों से यूज़ किया गया है, तो इसीलिए इसके ऊपर बहुत सारे स्टडी भी हुआ है, बहुत रिसर्च भी हुआ है, और उन सभी में ये पता चला है कि जो अश्वगंधा होता है आपका जो ब्रेन फंक्शन होता है ना उसको इम्प्रूव करता है, जिससे आपका मेमोराइज करने का जो पावर होता है, जो स्पीड होता है, वो भी तेज़ी से होता है, और आपका जो किसी भी काम करने का जो परफॉर्मेंस होता है उसको भी इंक्रीज करता है, मतलब आप जल्द थकते नहीं हो, मतलब आपका काम करने का जो एबिलिटी होता है उसको बढ़ाता है, आपका परफॉर्मेंस इंक्रीज करता है ये अश्वगंधा। एंड सबसे आखिर में और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, और इंडिया में सबसे ज़्यादा अश्वगंधा को इसीलिए ही यूज़ किया जाता है, वो होता है कि आपके बॉडी में, मतलब मेल बॉडी में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन इंक्रीज करने के लिए अश्वगंधा यूज़ किया जाता है। साथ ही साथ अगर आप अश्वगंधा का यूज़ करते हो तो मेल फर्टिलिटी लेवल को इंक्रीज करता है, जिससे आपका बॉडी हेल्दी रहता है, साथ ही साथ आपके स्पर्म काउंट भी हेल्दी रहता है। दैट्स मीन मेल बॉडी के लिए अश्वगंधा बहुत ही ज़्यादा बेनिफिटफुल होता है फॉर टेस्टोस्टेरोन लेवल इंक्रीजिंग। तो सवाल ये आता है कि क्या अश्वगंधा सेफ होता है? तो मोस्ट ऑफ द केसेस में ये अश्वगंधा सेफ होता है और इसमें कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं देखा जाता है। लेकिन अगर आप ब्रेस्ट कैंसर से परेशान हो, तो अगर आप प्रेग्नेंट हो, मतलब फीमेल के बारे में बात कर रहा हूँ, अगर आपका डायबिटीज़ रहता है, अगर आपका बॉडी में किसी भी ख़तरनाक बीमारी रहता है, तो आप अश्वगंधा को मत यूज़ करो। मतलब यूज़ करने से पहले किसी भी फिजिशियन से आप कंसल्ट कर लीजिएगा क्या अश्वगंधा आपके लिए यूज़ करना सही है, उसके बाद ही आप यूज़ करिएगा, जिससे आपको साइड इफ़ेक्ट ना हो। मेरा सलाह तो एक ही रहता है कि किसी भी चीज़ यूज़ करने से पहले आप ज़रूर वेरीफाइड फिजिशियन से कंसल्ट करके ही यूज़ कीजिए, जिससे आपको कोई नुकसान ना पहुँचे। तो आप ये बात का ध्यान रखो। और अश्वगंधा एक बहुत ही ज़्यादा बेनिफिटफुल मेडिसिन हर्ब होता है, जो आपको पाउडर या सप्लीमेंट के रूप में आसानी से मार्केट में मिल जाएगा, आप इसे यूज़ कर सकते हो। और भी अश्वगंधा का बहुत सारा बेनिफिट होता है जो आने वाले वीडियो में मैं ज़रूर आपको बताऊंगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए और आपको इस तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो देखना पसंद है, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिएगा, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल पाए। तो अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, वीडियो को आपका फ्रेंड के साथ शेयर भी कर सकते हो। अगली बार आपके साथ फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।